अरे बेटा आप आ गए? हाँ मम्मा, और आज मेरा रिजल्ट भी आ गया, उसमें मेरे 80% आए। क्या सिर्फ 80%? इतने कम? अपनी फ्रेंड प्रिया को देखो, पूरे 95% आए हैं, पूरी क्लास में फर्स्ट आई है वो, और आप 80% में खुश हो रहे हो। सीखो अपनी फ्रेंड से कुछ। निशा, ये क्या है? सारे टॉयज इधर उधर बिखेर के रखे हैं, ऐसे खेलते हैं? सीखो अपने फ्रेंड से, वो ऐसे बिखेर के नहीं खेलते हैं। पर मम्मा, ये सब मैं सही रख दूंगी। आप क्या रखोगे, आपको तो बस बिखेरा करना आता है। वो आपकी फ्रेंड प्रिया कितनी गुड गर्ल है, कल उसकी मम्मी मुझसे मिली थी, अपनी बेटी की कितनी तारीफ कर रही थी। और एक आप हो। अरे निशा, निशा बेटा, आज ये ऐसे कैसे सो गई? भगवान जी, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हूँ और अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश भी करती हूँ, पर मेरे अच्छे मार्क्स आते ही नहीं, और मम्मा मेरा कंपैरिजन दूसरों से करती है। प्लीज भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। रीना, रीना। हाँ, क्या हुआ? अरे रीना, ये सब क्या है? देखो रूम कितना बिखरा हुआ पड़ा है। अरे मैं वो बस काम निपटा के कर ही रही थी। अरे क्या कर रही थी? पड़ोस वाली वंदना भाभी के यहाँ पे कितनी साफ सफाई है, और एक अपने यहाँ पे। सुनिए, मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है, तो आप कर दीजिए ना। कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। वैसे तुम्हें रिचार्ज करना नहीं आता, सीखो तुम्हारी कुछ फ्रेंड से। आजकल लेडीज कितना कुछ कर लेती है, और तुम्हें सिर्फ एक रिचार्ज करना नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है, आता होगा सबको बहुत कुछ, आप सबके साथ मेरा कंपेयर क्यों कर रहे हो? और जो तुम निशा का कंपेरिजन बाकी बच्चों के साथ कर रही हो, क्या वो ठीक है? तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ किया तो तुम्हें कितना बुरा लगा? जरा सोचो, निशा को कितना बुरा लगा होगा। क्या तुमने सोचा उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने निशा को बहुत कुछ कह दिया। उसके इतने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद मैंने उसका कंपैरिजन उसकी फ्रेंड के साथ किया, बिना ये सोचे कि उसके दिमाग पर कितना बुरा असर होगा। वो तो अभी बच्ची है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, निशा से मांगो। निशा बेटा, आई एम सॉरी, मैंने हर बात पर आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ किया, लेकिन आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, आपको दूसरों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है।